जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मी जज़ीरा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको उस ज़बरदस्त प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अंडर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के स्टार्ट किया, जिसका नाम है ई रोजगार प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद है कि उसने पंजाब में तकरीबन 1 मिलियन फ्रीलांसर्स पैदा करने, ताकि वो बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला सकें। वो नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी एक हैंडसम लिविंग स्टार्ट कर सकें। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने पंजाब में स्टार्ट किया है। आज हम इस पूरे वीडियो में देखते हैं कि उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है, कहाँ होती है और उसका अप्लाई प्रोसेस क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, तो इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी को अगर देख लेते हैं, तो इसके लिए आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपके 16 ईयर्स की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका स्टेटस अनएम्प्लॉयड होना चाहिए और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप इसमें से किसी भी पॉइंट को अगर मिस करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल करार नहीं पाते। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, उसमें आपका CNIC, आपका डोमिसाइल और इसमें आपकी ग्रेजुएशन, आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है या आपका रिजल्ट कार्ड है, वो भी इसमें रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग अप्लाई प्रोसेस। अभी देख लेते हैं कि इसकी क्लासेस कैसे होंगे। इसकी क्लासेस फिजिकल भी होती हैं और ऑनलाइन भी होती हैं। फिजिकल क्लासेस सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं। फिजिकल क्लासेस जहाँ जहाँ पर हो रही हैं उनमें बावल नगर, चकवाल, चिनियोट, हाफसाबाद, जंग, कसूर, मंडी, बहाउद्दीन, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब, नारोवाल, ओकाड़ा, भागपतन, राजनपुर, शेखपुरा और टोबा टेक्सिंग शामिल है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के करीब रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि फिजिकल क्लासेस ही लीजिए, क्योंकि फिजिकल क्लासेस की वर्थ एज कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही होती है और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी आपके साथ ही होता है और आपको हर किस्म की फिजिकली असिस्टेंस मिल रही होती है। लेकिन अगर आप दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी आपको अच्छी ट्रेनिंग ही दी जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज इंक्लूड होते हैं। इसमें राउंड अबाउट 6-7 कोर्सेज इंक्लूड होते हैं, जिनमें ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन तजारत, UI UX डिजाइन, जो भी वेबसाइट बनती है इनके डिजाइन बनते हैं, ये वो वाली फील्ड होती है। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग आर वेरी इमर्जिंग और इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उसके बाद शामिल है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसमें मोबाइल की जो एप्स होती है उनको डेवलप कैसे करना है ये बताया जाता है। टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट से और आपका कंटेंट राइट अगर आप उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएटिव डिजाइन, अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो उसमें आपको इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह सिखाया जाता है। तो ये चंद कोर्सेज हैं जिनकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब देख लेते हैं कि इसका जी अप्लाई प्रोसेस क्या है। इसका अप्लाई प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपने क्या करना है, आपने इनके लिंक पर जाना है। लिंक पर जाने के बाद आपने करना है इसको साइनअप। साइनअप करने के बाद इसमें आपने अपना डालना है CNIC। CNIC डालने के बाद आपका सारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होगा और सारी एंट्रीज आपने बहुत ध्यान से करनी है, खासतौर जब आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया तो उसको आप सबमिट करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपने फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है तो वो बहुत ध्यान से उसको क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आप सिर्फ एक ही कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ के उस कोर्स में अप्लाई कीजिएगा। आप देख लेते हैं जी कौन सा कोर्स है जो मार्केट में से ज्यादा इन डिमांड है। तो इसमें जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है और इस फील्ड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है। उसके बाद ई कॉमर्स, इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। दो फील्ड तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके अलावा जितनी भी बाकी फील्ड है ये भी बहुत ज्यादा कम्पिटेटिव फील्ड है। अब ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपने करने है ये बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है, सारी फील्ड बहुत ध्यान से करनी है और सारी एंट्रीज करनी है और एंट्रीज करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। एक बार जब आपने इसको सबमिट कर दिया आप दोबारा इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबमिट करने के बाद इसके बाद क्या होगा, आपकी क्रीडेंशियल को देखा जाएगा और अगर आप इसके लिए वेरीफाई हो गए तो फिर आपसे एक 30 मिनट्स का टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट से पहले आपको बता दिया जाएगा। वो टेस्ट अटेम्प्ट करना लाजमी है। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसका रिजल्ट उनके पास जाएगा और फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो गए तो आप भी शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट में शामिल हो जाएंगे और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब और किस टाइम स्टार्ट होंगे और फिर आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये प्रोग्राम हो रहा तो इसमें बहुत सारे आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, जिसमें आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और उसके आपके ट्रेनिंग के लिए आपसे क्विजेज भी लिए जाएंगे और आपसे डिफरेंट एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेज भी करवाई जाएंगी और इन तमाम के बेस पर आपकी एक फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट बनेगी जो आपके प्रोग्रेस के बारे में बताएगी। जो अच्छी प्रोग्रेस वाले स्टूडेंट होंगे उनको कोर्स के कम्प्लीट करने के बाद, जो कि राउंड अबाउट 3.5 मंथ का ये कोर्स है, इस कोर्स के कम्प्लीट करने के बाद उन्हें ई रोजगार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा और ये सर्टिफिकेट बहुत वर्थ रखता है। ये सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप कीजिए अप्लाई और अप्लाई करने के बाद कोशिश कीजिए कि आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएं और शॉर्टलिस्ट होने के बाद पूरी तवज्जो से इस कोर्स को अटेंड कीजिएगा और अटेंड करने के बाद वो सर्टिफिकेट लाजमी हासिल कीजिएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए इल्मी जज़ीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।